इंडियन फुटबॉल में फुटबॉल को छोड़ के बाकी सब तरह का हमको कूड़ कबाड़ देखने को मिल रहा है आजकल। यस, न्यूज निकल के आ रही है कि आंद्रेज इनिएस्टा को रिजेक्ट करा गया है इंडिया के क्लब की तरफ से। प्लस यहाँ पे इंडिया वर्सेस ईरान इज कमिंग अप इन दिस सितंबर, जो कि आई रियली हैव नो होप्स फ्रॉम अवर इंडियन टीम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर सब्सक्राइब यार। तो सबसे पहले यार बात शुरू करते हैं जो कल से मेन मुद्दा बना हुआ है, अनवर अली के ऊपर 4 महीने का बैन लग चुका है। यस, 4 महीने। अब हमको अनवर अली नहीं दिख सकते। ऑफ कोर्स यहाँ पे अपील कर सकती है अनवर अली की पार्टी, हो सकता है कि उनको खेलने को मिल जाए फ्रॉम क्लब पर्सपेक्टिव्स। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अनवर अली की, तो वो अब इंडियन कलर्स में हमको अगले दोनों फीफा विंडोज में खेलते हुए नहीं नजर आएंगे, क्योंकि फीफा का ये एक रूल है कि अगर उनके ऊपर कोई बैन लगाया गया है, किसी प्लेयर के ऊपर कोई बैन लगा है, जितने भी टाइम पीरियड का है वो सर्व करना पड़ेगा उनको। प्लस यहाँ पे वो प्लेयर सिर्फ मेजर टूर्नामेंट्स में ही खेल सकता है। तो मेजर टूर्नामेंट्स में आते हैं यूरोस, कोपा अमेरिका, फीफा वर्ल्ड कप, एएफसी एशियन कप या फिर फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स। तो इसमें से तो किसी में भी नहीं खेलना है अनवर अली ने। एंड हमारे जो अभी अगली दो फीफा विंडोज है उसमें सिर्फ फ्रेंडली मैचेस हमने खेलने हैं अक्टूबर एंड नवंबर की विंडो में, एंड फिर हमने मार्च में जाके एएफसी एशियन कप के क्वालिफायर्स खेलने हैं। तो तब हमको अनवर अली अब खेलते हुए दिखेंगे इंडिया के कलर्स में। वेल, एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल वाला प्लेयर, बहुत ही कम उम्र का, जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, उसका करियर कैसे डिरेल हो रहा है ये हमारी आंखों के सामने है। बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एज एन इंडियन फुटबॉल फैन हम सबको पता है कि अनवर अली क्या क्वालिटी पोजेस करते हैं, एक लीडर क्वालिटी भी है उनके अंदर, हमारे फ्यूचर कैप्टन भी हो सकते हैं वो। बट जिस तरह की कंट्रोवर्सीज में आए दिन फंसे रहते हैं अनवर अली, एंड स्पेशली अब जो ये बैन लग गया है, काफी बड़ा झटका है अगर वो अगले 4-5 महीने तक फुटबॉल नहीं खेलते हैं तो। बट अब देखने वाली बात है कि इंडिया के कलर्स में हमको कब वो देखने को मिलते हैं, कब नहीं मिलते, क्योंकि मार्च में एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स है। कितनी फिटनेस रहेगी उनकी उस टाइम तक, कितनी मैच शार्पनेस रहेगी उनकी उस टाइम तक, वो एक देखने वाली बात है। अभी हमने सीरिया वाले मैच में भी उनको देखा, काफी ज्यादा स्लॉपी लगे, काफी ज्यादा रस्टी लगे। क्यों? क्योंकि उनको गेम टाइम प्री सीजन इतना नहीं मिला था। तो एक अनवर अली ऐसे ही प्लेयर है, अगर उनको रेगुलर गेम टाइम मिलता रहेगा क्लब्स से भी एंड इंडियन टीम के साथ भी, तो ही उनका इंजन गर्म रहता है एंड तभी वो परफॉर्म कर पाते हैं। स्टॉप स्टार्ट वाले प्लेयर नहीं है, उनको रेगुलर गेम टाइम देना पड़ता है, चाहे वो क्लब में हो या चाहे वो नेशनल टीम में हो। बट अब देखते हैं कि मार्च में अब जब आएंगे अनवर अली तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि फ्रेंडलीज में तो वो नहीं खेल सकते, एंड इंडिया के अगले जो 4 मैचेस होंगे वो फ्रेंडलीज ही होंगे अक्टूबर एंड नवंबर के विंडो में। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आंद्रेज इनिएस्टा की, तो भैया बार्सिलोना लेजेंड आ सकते थे इंडिया में। बेंगलुरु एफसी के कुछ ऑफिशियल्स ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने इंक्वायर करने की कोशिश भी करी थी आंद्रेज इनिएस्टा को इंडिया में लाने की एंड बेंगलुरु एफसी में शामिल करने की, बट उन्होंने सोचा नहीं, हम आंद्रेज इनिएस्टा को वहीं पे रहने देते हैं जहाँ पे वो है, मिडल ईस्टर्न एशिया में ही वो खेल रहे हैं इस वक्त, एंड वहीं पे उनको खेलने देना चाहिए है। तो इंक्वायरी करी थी छोटी मोटी आंद्रेज इनिएस्टा के लिए, बेंगलुरु एफसी के लिए, बट यहाँ पे बात नहीं बन पाई, ज़्यादा फर्दर वो इंक्वायरी नहीं जा पाई, कोई भी ऑफिशियल टॉक्स नहीं कर पाए आंद्रेज इनिएस्टा के लिए। तो यही माना जाएगा कि बेंगलुरु एफसी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया आंद्रेज इनिएस्टा को कि हम नहीं ला रहे यार, छोड़ो, क्या करना है हमने, इतना बूढ़ा प्लेयर, जो कि मेरे लिए, मेरे हिसाब से सही भी एक सोच है। आंद्रेज इनिएस्टा को इस वक्त ला के आई रियली डोंट थिंक के कोई फायदा है। मारियो बालोटेली की जो खबर आई थी, वो फिर भी एक ऐसा प्लेयर हो सकता है जो आप ला सकते हो, जो आपको कुछ टीम में कॉन्ट्रीब्यूट कर दे, क्योंकि वो 34 ईयर्स के हैं। बट आंद्रेज इनिएस्टा की तो बहुत उम्र है यार, वो अगर आ भी जाते बेंगलुरु एफसी में तो मतलब वो 20 से 30% ही सिर्फ मैचेस खेलते हैं, उसमें भी वो कितनी देर खेल पाते हैं वो भी एक टॉकिंग पॉइंट होता। बट इट्स गुड कि बेंगलुरु एफसी इस चीज में घुसी ही नहीं, बस इंक्वायरी करी थी उन्होंने। बट यहां पे भैया अब देखा जाए तो इंडियन
अंडर 20 टीम विल फेस ईरान अंडर 20 इन द मंथ ऑफ सितंबर। दो हफ्ते का टाइम रह गया है जब इंडिया की अंडर 20 टीम अंडर द मैनेजीरियलशिप ऑफ रंजन चौधरी स्टार्ट करेगी अपना कैंपेन एएफसी अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स का। हमारा पहला मैच है 25 सितंबर को जो कि है मंगोलिया की अंडर 20 टीम के साथ, जिसके बाद एक दिन के ही गैप के बाद हमने 27 सितंबर को खेलना है ईरान अंडर 20 टीम को, एंड देन 29 सितंबर को हमने खेलना है लाउस अंडर 20 की टीम को। तो ये तीन हमने बैक टू बैक मैचेस खेलने हैं, 6 दिन के टाइम पीरियड में 3 मैचेस खेलने हैं हमने अंडर 20 टीम ने हमारी। बट अंडर रंजन चौधरी आई रियली डोंट थिंक के हम अंडर 20 एशियन कप में क्वालिफाई हो पाएंगे एंड हम ईरान के अगेंस्ट कुछ पॉजिटिव निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बांग्लादेश से नहीं जीत पा रहे सैफ चैंपियनशिप में अंडर 20 की जो अभी हाल ही में हुई थी, एंड हमने मालदीव्स की अंडर 20 टीम के अगेंस्ट भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। 1-0 हमने विक्ट्रीज ली थी एंड हम सेमीफाइनल में इवेंचुअली हम बांग्लादेश अंडर 20 से हार गए, जो कि आगे जाके उन्होंने सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप लिफ्ट कर ली बांग्लादेश की अंडर 20 टीम ने। बट अगर देखा जाए तो AIFF का ध्यान ही नहीं है रंजन चौधरी के ऊपर, उनका ध्यान है भैया कि पहाड़ी वादियों में हमारी इंडियन नेशनल टीम को ट्रेन कराया जाए हाई अल्टीट्यूड में। एंड कल जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई उसमें भी ये तय हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग रीजन में एक स्टेडियम है हाई अल्टीट्यूड में, वो दिया जाएगा हमारी नेशनल टीम्स को टू प्रिपेयर फॉर द मैचेस जो भी होंगे हमारे हाई अल्टीट्यूड वाले एरियाज में, जहाँ पे ओपोनेंट्स के मैचेस हो सकते हैं हाई अल्टीट्यूड वाले एरियाज में। उसके लिए हमारी जो टीम्स है अंडर 17 अंडर 20 नेशनल टीम ऑफ इंडिया सीनियर, उनको एक हाई अल्टीट्यूड वाला स्टेडियम दिया गया है तवांग अरुणाचल प्रदेश में, ताकि वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को झेल पाए। एंड जो हमारे ओपोनेंट्स होते हैं कई बार हम ऊंची वादियों में जाके खेलते हैं जहाँ पे सांस अच्छे से नहीं आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसी कोई दिक्कतें ना आए। वेल देखा जाए तो ये अच्छा भी है प्लान जो ये इनिशिएटिव लिया है AIFF ने, साथ ही में ये बुरा भी है क्योंकि इतने ओपोनेंट्स हैं नहीं इस वक्त हमारी एशियन फुटबॉल में जो हमको हाई अल्टीट्यूड वाले एरियाज में ले जाके फेस करे हमको। यस आई कैन अंडरस्टैंड, अभी हमारा जो अफगानिस्तान के साथ मैच हुआ था नेशनल टीम का सीनियर, वो हमारे एक हाई अल्टीट्यूड वाले एरिया में हुआ था सऊदी अरेबिया में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का, बट बहुत ही कम ऐसे ओपोनेंट्स हैं जहां पे इंडिया को फेस करना पड़ेगा एक हाई अल्टीट्यूड पे जाके किसी टीम को। बट यस अ गुड इनिशिएटिव बाय AIFF, काम कर सकते हैं हम अपनी हाई अल्टीट्यूड वाली फुटबॉल को भी निखार सकते हैं ताकि हमको कल को जाके ऐसे एरियाज में डिफिकल्टी ना हो एंड हमको पता हो कि हमने कैसे खेलना है। बट हम जब अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेले थे सऊदी अरेबिया में जाके हाई अल्टीट्यूड पे, तो हमको दिक्कतें श्योरली आई थी। तो ये उसके परस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये AIFF का एक गुड डिसीजन है। बट यस OCI PIO कहीं पे टॉपिक घूम के रह गया है। एंड यहाँ पे इंडोनेशिया की फुटबॉल की अगर मैं बात करूँ तो भैया वो ओरिजिन वाले प्लेयर्स ला ला के उन्होंने नाक में दम कर दिया है सऊदी अरेबिया एंड ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज के अगेंस्ट, वो ड्रॉ निकाल रहे हैं। बैक टू बैक राउंड 3 में इंडोनेशिया की टीम ने ड्रॉज निकाले हैं अगेंस्ट सऊदी अरेबिया एंड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऐसी दो टीम्स जो हर बार फीफा वर्ल्ड कप खेलती है उनके अगेंस्ट बैक टू बैक ड्रॉ निकाला है इंडोनेशिया ने ओरिजिन वाले प्लेयर्स को बुला के। एंड इंडोनेशियन फुटबॉल की अगर आप रैंकिंग देखो तो 134-135 इसके इर्द गिर्द ही रहती है। बट इट्स अ बिग टास्क फॉर इंडियन टीम क्योंकि OCI PIO के बिना आई रियली डोंट थिंक कि हम कुछ कर पाएंगे। बट देयर आर मैनी इंडियन फुटबॉल फैंस जो आई रियली डोंट नो क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं OCI PIO को, एंड उनको पता भी है कि हमारे इंडिया में इतना टैलेंट नहीं है, हमारी टैलेंट की जो फैक्ट्री है वो कहीं पे बंद हो चुकी है, टैलेंट जो है वो डिस्कवर नहीं हो पाता है हमारी इंडिया में, ना ही हमारे पास इतनी मैन पावर है कि अलग अलग विलेजेस में जाके अलग अलग सिटीज में जाके हम इंडियन फुटबॉलर्स को तराशें एंड उनको डेवलप कर पाएं। एंड क्वालिटी भी हमारी वो नहीं रहती जो हमारे इंडिया में प्लेयर्स खेलते हैं, जिन लीग्स में हमारे इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं वो हमको सबको पता ही है। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग अनवर अली सागा रिगार्डिंग इंडिया अंडर 20 वर्सेज ईरान अंडर 20, क्या रंजन चौधरी कुछ कर पाएंगे।
क्या मनोलो मार्केज वियतनाम जाके अगले महीने कुछ कर पाएंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।